राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। यूपी के आगरा जिले में सेक्स वर्धक दवाओं की एमआरपी बदलकर उन्हें ऑनलाइन महंगे दामों पर बेचने के लिए बाकायदा फर्जी कंपनी बनाकर साइबर ठगी करने वाले दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से पुलिस को काफी दवाओं के सैंपल मिले हैं और उनके गोदामों की भी जानकारी हुई है। जानकारी के अनुसार थाना सिकंदरा पुलिस और एसओजी टीम को जानकारी हुई थी कि दो लोग कारगिल चौराहे पर स्थित भावना मल्टीप्लेक्स पर माय ऑपरेटर नाम से फर्जी कंपनी चला रहे हैं और दवाओं को दाम बढ़ाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं। थाना पुलिस व एसओजी टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से कई तरह की सेक्स वर्धक दवाओं के सैंपल मिले हैं। आरोपियों ने बताया है कि डिसीज केयर वर्ल्ड नाम से कंपनी पर हम ऑनलाइन बुकिंग करवाते थे। इसके बाद आगरा की अजंता हेल्थ केयर, मित्तल फार्मिस्ट और जी फार्मा आगरा से दवाएं खरीद कर उनकी एमआरपी बदलकर उन्हें 10 से 20 गुना महंगे दामों पर बेच देते थे। एसएसपी बबलू कुमार के अनुसार अभियुक्तों के अन्य गोदामों की भी जानकारी हुई है। इनके साथ जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट आगरा से। ये दवा आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत सस्ते दामों में खरीद कर और उन दवाओं पे नई लेबलिंग करके 20 से 30 गुना दामों पर शक्तिवर्धक दवाइयां बताकर लोगों को बेचा करते थे और धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से कुछ दवाई के सैंपल भी बरामद हुए हैं। पूरी पूछताछ चल रही है। संबंधित विभाग को भी निर्देशित सूचना कर दी गई है। जो इनकी पूरी गोदाम और इनके ऑफिसेज हैं उनकी छानबीन कर और भी सूचनाएँ संकलित कराई जाएंगी। इनके पास से अभी सैंपल बरामद हुए हैं और इनकी गोदाम के बारे में जानकारी हुई है, जिसे सील कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कंपनी, इस फ्रॉड कंपनी और इस कंपनी के दो मालिक दोनों व्यक्ति विदेश यादव और प्रशांत शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। उनसे पूछताछ कर उनके कंपनी में और भी काम करने वाले या उनके क्राइम में सहयोगी की जानकारी कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।